हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी 33। एमपी की सीरीज़ में ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम आपसे डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन या फिजिकल डिवीज़न, जिस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश को अनेक संभागों में बांटा गया है, अनेक ज़िले हैं, उसी तरीके से प्राकृतिक तरीके से जो मध्य प्रदेश को बांटा गया है, या नेचुरल विभाजन या प्राकृतिक विभाजन या भौगोलिक विभाजन या भौगोलिक दशाओं को देखते हुए, कहाँ पर पर्वत ऊँचे हैं, पठार ऊँचे हैं, या फिर उनकी स्थिति या उनके उत्पत्ति के आधार पर मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन किया गया है। तो आज हम उन भौगोलिक विभाजन को देखेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन है या प्राकृतिक प्रदेशों में जो बांटा गया है, इसमें तीन प्रकार के प्रदेश आते हैं। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश, और तीसरा आता है पूर्वी पठार। जो मध्य उच्च प्रदेश है, ये मध्य उच्च प्रदेश इसमें मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी आती है। तथा सतपुड़ा श्रेणी में देखेंगे तो राजपीपला श्रेणी, ग्वालियर महादेव पहाड़ श्रेणी और मैकाल श्रेणी आती हैं। पूर्वी पठार, इसमें बघेलखंड का पठार आता है। पूर्वी पठार को, जो पूर्वी पठार है, उसे पांच रीजन में डिवाइड किया गया है। पूर्वी पठार को पांच अन्य रीजनों में भी डिवाइड किया गया है, लेकिन जो मध्य प्रदेश में है वह बघेलखंड का पठार ही है। तो इससे हम बघेलखंड के पठार की स्टडी हम करेंगे। तो मध्य उच्च प्रदेश, तो मध्य उच्च प्रदेश को सबसे पहले देख लेते हैं। मध्य उच्च प्रदेश, इसको हम मैप से पढ़ लेते हैं कि मैप में सभी की स्थिति जान लेते हैं, कैसा डिवीज़न किया गया है। तो ये हमारा मध्य भारत का मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में मध्य उच्च प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के ये वाला रीज़न पूरा, ये हमारा कहलाता है मध्य उच्च प्रदेश। ये पूरा रीजन जो है हमारा, ये कहलाता है मध्य उच्च प्रदेश। मध्य उच्च प्रदेश में पांच रीजन आते हैं। सबसे पहले आता है मध्य भारत का पठार, दूसरा रीजन आता है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा रीजन आता है मालवा का पठार, चौथा आता है रीवा पन्ना का पठार, और पांचवा आता है नर्मदा सोन घाटी। तो देख लेते हैं ये कौन कौन से रीजन को कवर करता है। जैसे कि मध्य भारत का पठार, तो मध्य भारत का पठार, इसे हम चंबल प्रदेश भी कहते हैं। मध्य भारत का पठार, या इसे हम चंबल प्रदेश भी कहते हैं। मध्य भारत का पठार जो मध्य प्रदेश में कौन कौन से एरिया का कवर करता है, तो यहाँ पर आपका श्योपुर, मुरैना और कुछ रीज़न, आधा रीज़न ये भिंड का, मध्य भारत का पठार इसमें आ जाता है आपका आधा नीमच, मंदसौर, आगर मालवा का कुछ रीज़न, राजगढ़ का कुछ रीज़न, गुना का कुछ रीज़न, शिवपुरी का, और यहाँ पर आ जाता है ग्वालियर, फिर कुछ रीज़न यहाँ भिंड का कवर करता है, हाफ़ रीज़न भिंड का, फिर मुरैना, फिर श्योपुर, और इस तरीके से कुछ राजस्थान का भी पार्ट होता है इसमें। तो मध्य भारत का पठार, ये वाला पूरा रीजन जो होता है वो कहलाता है मध्य भारत का पठार। इस मध्य भारत के पठार के यहाँ पर देखेंगे पश्चिम में, मध्य भारत के पठार में, तो यहाँ पर अरावली पर्वत की श्रेणियाँ आती हैं, अरावली पर्वत की श्रेणियाँ जो दिल्ली से लेकर और गुजरात तक फैली हुई हैं, और यहाँ पर
जो कि दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली हुई हैं। यहाँ पर अरावली श्रेणियाँ, और यहाँ मध्य भारत के पठार के पश्चिम में मध्य भारत के पठार के पश्चिम में अरावली श्रेणियाँ हैं, तथा पूर्व में देखेंगे तो यहाँ पर यमुना का पूर्व में यमुना का उत्तर में यमुना का मैदान देखने को मिलेगा। पूर्व में देखेंगे तो बुंदेलखंड का पठार है, और दक्षिण में देखेंगे तो मालवा का पठार देखने को मिलता है। यहाँ पर दक्षिण में मालवा का पठार देखने को दक्षिण में मालवा का पठार देखने को मिलता है। उत्तर में जाएंगे तो यमुना का मैदान, पूर्व में जाएंगे तो बुंदेलखंड का पठार देखने को मिलेगा, और पश्चिम में जाएंगे तो अरावली पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं। ये रीज़न था मध्य भारत का पठार। इसके बारे में और फैक्ट देख लेते हैं मध्य भारत के पठार में। जो मध्य भारत का पठार है तो इसकी स्थिति के बारे में देखेंगे तो मध्य भारत के पठार की स्थिति तो 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 48 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में ये फैला हुआ है, तथा इसका ये वाला रीज़न जो कि 24 डिग्री से लेके 26 डिग्री 48 मिनट इस तरीके के रीज़न में ये फैला हुआ है, तथा इसका यहाँ पर उत्तर से दक्षिण तक का यहाँ पर पूर्व से लेके पश्चिम तक का विस्तार देखेंगे तो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 79 डिग्री 10 मिनट में फैला हुआ है, और ये कुछ इस तरीके का रीज़न बनाता है हमारा मध्य उच्च प्रदेश। यहाँ पर आ जाता है भिंड, मुरैना, दतिया, यहाँ मंदसौर, नीमच, और यहाँ पर ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर, तो इस तरीके का रीज़न बनता है। और ये जो मध्य भारत का पठार है, टोटल जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उसका कितना 10.68% होता है। 10.68% मतलब 32,896 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसकी ऊंचाई है जो वह 300 से 500 मीटर तक ऊंचा है। इसकी औसत ऊंचाई देखेंगे तो 300 से 500 मीटर ऊंचा है। मध्य भारत का पठार है जो मध्य भारत के पठार के में इसकी ऊंचाई तो मध्य भारत के पठार की ऊंचाई है जो वो 150 से 300 मीटर है। 100 से 300 मध्य भारत की सामान्य ऊंचाई 300 से 500 मीटर है। मध्य भारत के पठार की ऊंचाई 300 से 500 मीटर औसत ऊंचाई है, लेकिन जो इसकी ढाल है वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ जाने पर, मतलब यमुना के मैदान की तरफ जाने पर इसकी ढाल कम होती जाती है। तो इसलिए जो इसका यहाँ का रीज़न होता है वो ऊंचा होगा, और जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाएंगे यहाँ पर उत्तर की तरफ हम जाते जाएंगे तो ढाल हमारा कम होता जाएगा। तो उत्तर पूर्व की तरफ यदि जाएंगे तो ढाल कम होता जाएगा, और वहाँ पर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है 150 से 300 मीटर। तो ये हो गया मध्य भारत के पठार के बारे में। और देख लेते हैं इसमें जो जलोढ़ और काली मिट्टियाँ देखने को मिलती हैं, यहाँ पर जलोढ़ और काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, और यहाँ की प्रमुख फसल है जो गेहूँ, ज्वार और बाजरा है। यहाँ की जो जलवायु है, मध्य भारत के पठार की जलवायु महाद्वीपीय जलवायु से आश्रय है। यहाँ सर्दी में बहुत अधिक सर्दी पड़ेगी, और गर्मी जब होगी तो गर्मी में बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी। तो ये हो जाती है महाद्वीपीय जलवायु। यहाँ की जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो 125 से 200 व्यक्ति पर किलोमीटर में इसकी जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ देखने को मिलती हैं मध्य भारत के पठार में? प्रमुख नदी है चंबल, इसे चंबल उप्र आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य भारत के पठार को चंबल उप आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसकी प्रमुख नदी चंबल है। अन्य नदियाँ कौन कौन सी हैं? पार्वती, काली सिंध नदियाँ भी हैं। यहाँ पर वर्षा की मात्रा को देखें मध्य भारत के पठार में, तो वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है 275 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पर देखने को मिलती है वर्षा। तो ये हमने देखा मध्य भारत के पठार के बारे में विस्तृत से।
ये मध्य भारत का पूरा पठार हमने कवर किया। इसके बाद सेकंड आ जाते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार जैसे कि आप देख रहे हैं मैप में, इसमें कवर करता है ये दो पार्ट में, बुंदेलखंड के पठार को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये वाला पूरा रीज़न है, ये बुंदेलखंड का पठार कहला जाता है। तो बुंदेलखंड के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में दो हैं, पूर्वी बुंदेलखंड और पश्चिमी बुंदेलखंड। पश्चिमी बुंदेलखंड में, पूर्वी बुंदेलखंड और पश्चिमी बुंदेलखंड, ये वाला पूरा ये वाला रीज़न आ जाता है बुंदेलखंड के पठार में। तो बुंदेलखंड के पठार में यहाँ पर जो भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर वाला रीज़न होता है ये पूरा आ जाता है आपका। ये पश्चिम की साइड है तो पश्चिमी बुंदेलखंड का रीज़न, और ये टीकमगढ़ और छतरपुर ये वाला जो रीज़न है ये वाला आपका आ जाता है पूर्व बुंदेलखंड में। ये पूर्व का रीज़न है, ये पश्चिम का रीज़न है। यहाँ पश्चिमी बुंदेलखंड में कौन कौन से रीज़न आते हैं, तो भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर और टीकमगढ़, छतरपुर, निमाड़ी, ये आ जाता है आपका पूर्वी बुंदेलखंड में। फिर इसके बाद देख अन्य फैक्ट देख लेते हैं। ये टोटल जो एमपी का परसेंटेज है, तो मध्य भारत का पठार 10.68% कवर करता है, लेकिन ये करता है 7.7%। बुंदेलखंड का पठार भारत एमपी के कुल क्षेत्रफल का 7.7% शेयर करता है। इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। बुंदेलखंड का पठार, इसकी स्थिति जो देखेंगे तो स्थिति में 24 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशीय इसका विस्तार है, नॉर्थ से साउथ तक में तथा पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट इसका विस्तार देखेंगे तो इसका विस्तार कितना है 79 डिग्री 10 मिनट से लेकर 80 डिग्री 20 मिनट तक इसका विस्तार है। कहाँ पर? उत्तर से पूर्व से पश्चिम तक। तो इस तरीके का कुछ रीज़न देखने को मिलता है एमपी में ऊपर साइड। तो यहाँ पर 26 डिग्री 22 मिनट उत्तर पूर्वी देशांतर से लेके नीचे, यहाँ पर 24 डिग्री 6 मिनट तथा यहाँ पर देखेंगे तो 24 डिग्री 6 मिनट के पठार का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देखा, इसमें 24 डिग्री 6 मिनट पूर्वी उत्तर पूर्वी अक्षांश से 26 डिग्री 22 मिनट पूर्वी अक्षांश, उत्तर पूर्वी अक्षांश तक फैला हुआ है तथा 79 डिग्री 10 मिनट से लेकर 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। इसका ये कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये कितना है 7.7% ये टोटल कितना इसका क्षेत्रफल आ जाता है, तो 23,733 वर्ग किलोमीटर ये इसका एरिया आ जाएगा। इसकी जो बुंदेलखंड के पठार की ऊंचाई है वह है 150 से 400 मीटर। जैसे हमने मध्य भारत के पठार में आपको बताया था कि जो नॉर्थ का रीज़न है, बताया था हमने आपको कि ये नॉर्थ का रीज़न है और ये साउथ का रीज़न है और मध्य भारत के पठार में, तो साउथ से जब नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं मध्य भारत के पठार में, तो ढलान है जो वो नॉर्थ की तरफ है। तो जो पहाड़ियाँ हैं साउथ की, मध्य भारत के पठार के में साउथ में जो पहाड़ियाँ हैं उनकी ऊँचाई अधिक है इन कंपेरिज़न ऑफ नॉर्थ की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी में। तो बुंदेलखंड के पठार में भी इसी तरीके की देखने को मिलती है संरचना की। बुंदेलखंड के पठार में जो संरचना है तो वो साउथ में ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ हैं तथा नॉर्थ में कम ऊँची हैं, मतलब जो ढाल है साउथ टू नॉर्थ है। तो जो साउथ में इसमें पहाड़ियाँ हैं तो उनकी ऊँचाई जो देखने को मिलती है वो 150 मीटर से देखने को मिलती है, और जो नॉर्थ में है वो बुंदेलखंड के पठार में नॉर्थ में जो पहाड़ियां हैं उनकी ऊंचाई देखने को मिलती है 400 मीटर। और इसकी जो सबसे बुंदेलखंड के पठार में, ये पूरा जो बुंदेलखंड का पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा। इसमें सिद्ध बाबा की सबसे ऊंची चोटी है बुंदेलखंड के पठार में, सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
एमपीपीएससी में कई बार पूछा गया है। 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। सिद्ध बाबा की चोटी किस पठारी क्षेत्र में देखने को मिलती है और इसकी ऊंचाई क्या है? तो बुंदेलखंड के पठार में देखने को मिलती है और इसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। और इसकी जो बुंदेलखंड के पठार का निर्माण है वो ग्रेनाइट नीस की चट्टानों से हुआ है। और यहाँ पर यहाँ की जो जलवायु है ये भी महाद्वीपी, जैसे मध्य भारत के पठार में देखने को मिलती है, वैसे ही यहाँ की जलवायु, इस सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी पड़ेगी और गर्मियों में बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी देखने को मिलती है और यहाँ की जो प्रमुख फसल है वह ज्वार है। यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी है? ज्वार। और इसमें पूर्वी बुंदेलखंड और पश्चिमी बुंदेलखंड, पूर्वी बुंदेलखंड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? छत्तीसगढ़ और टीकमगढ़। पूर्वी बुंदेलखंड में जैसे हमने देखा था, आपको बताया था, छत्तीसगढ़ और टीकमगढ़, छतरपुर और टीकमगढ़, ये छतरपुर और टीकमगढ़। और बाकी ये वाला जो रीज़न होता है ये पश्चिमी साइड का, इसको पश्चिमी बुंदेलखंड में मेंशन करते हैं। तो ये हमने देखा मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा सी, मालवा का पठार। और एक फैक्ट और, बुंदेलखंड के पठार में जो बारिश होती है वह कितने सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट होती है? तो ये देख लेते हैं, बुंदेलखंड के पठार में वर्षा है जो 75 से 103 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अब नेक्स्ट है मालवा का पठार। मालवा का पठार ये मेन रीज़न मध्य प्रदेश का, ये 28% मध्य प्रदेश का 28% बनाता है मालवा का पठार। इसमें बहुत सारे रीज़न आते हैं, ये देख लेते हैं। मालवा का पठार ये पूरा, ये मंदसौर से लेते हुए, ये मंदसौर, आगर मालवा, गुना, अशोकनगर, सागर और यहाँ पर कुछ पार्ट दमोह का, कुछ नरसिंहपुर का, इस तरीके से पूरा लेते हुए राजगढ़, सीहोर, देवास, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ये सारा रीज़न जो होता है, उज्जैन, शाजापुर, इंदौर, ये मालवा के पठार में आते हैं। ये रीज़न जो है मध्य का, ये हो जाता है मालवा का पठार। और ये कुल क्षेत्रफल का कितना? 28% बनाती है। कुल 28% रीज़न बनाती है मालवा का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का। और यहाँ का जो टेम्परेचर है 40 to 42 degrees Celsius है इसका टेम्परेचर। और यहाँ पे बहुत अच्छी जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे सर्दियों में बहुत अधिक सर्दी भी नहीं होगी और गर्मी में बहुत अधिक गर्मी भी नहीं होती। यहाँ की जो बारिश है यहाँ की, तो वो देख लेंगे, बारिश 75 to 125 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर बारिश होती है। और मालवा के पठार की बात की जाए तो यहाँ पर काल लावा से इसकी उत्पत्ति हुई थी। यहाँ पर लावा से उत्पत्ति होने के कारण दक्कन ट्रैप से जो लावा निकला था, तो लावा से इसकी उत्पत्ति होने के कारण यहाँ काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। और काली मिट्टी की अधिकता पाई जाने के कारण यहाँ पर कपास की खेती यहाँ की प्रमुख है। यहाँ पर कपास की खेती प्रमुख है। और यहाँ की जो नदियाँ हैं उसकी बात कर लेंगे, तो नदियाँ जैसे इंदौर से, उज्जैन से, इंदौर से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, तो जैसे शिप्रा हो गई, यहाँ पर रायसेन से बहुत सी नदियाँ निकलती हैं, तो शिप्रा, बेतवा, सुनार, कालीसिंध, चंबल नदियाँ यहाँ की प्रमुख हैं। यहाँ पर कपास के अलावा गेहूँ की भी खेती बहुत अधिक की जाती है। और यहाँ पर मुख्य है जो कर्क रेखा, यहाँ पर मालवा के पठार से भी हो, मालवा के पठार के बहुत अधिक रीजन से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो मालवा के पठार में देख लेते हैं मालवा का पठार। तो मालवा का पठार की ये 28% एरिया को कवर करता है। और यहाँ पे 75 to 125 सेंटीमीटर बारिश होती है। चंबा, सुनार, काली सिंध, बेतवा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। तथा यहाँ की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ पर सर्दियों में अधिक सर्दी भी नहीं होगी और गर्मियों में अधिक गर्मी भी नहीं होगी। और यहाँ पर काली मिट्टी बहुत अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ का जो मालवा के पठार का निर्माण है वो दक्कन ट्रैप की चट्टानों से हुआ है। इसी कारण यहाँ पर कपास की खेती बहुत अधिक की जाती है। यहाँ की प्रमुख फसलें कपास और गेहूँ है। यहाँ की औसत ऊंचाई की बात की जाए तो औसत ऊंचाई 500 मीटर है। मालवा के पठार की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी है वह सिगार की चोटी है।
मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया गया है, मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो यह चोटी है सिगार की चोटी। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार और इसकी ऊंचाई है 881 मीटर। MBBPSC में भी ये क्वेश्चन बन चुका है कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वह हो जाता है सिगार और इसका विस्तार 20 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश में, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ तक का देखेंगे तो 20 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट और उत्तर से दक्षिण तक का इसका विस्तार देखेंगे मालवा के पठार का, पूर्व से पश्चिम तक का इसका विस्तार देखेंगे, पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार देखेंगे तो 74 डिग्री 59 मिनट के अप्रॉक्स 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। तो हमने ये देखा आप मालवा के पठार का रीजन। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार, इसे विंध्य कंगारी प्रदेश भी कहा जाता है। रीवा पन्ना का पठार, इसे विंध्य कंगारी प्रदेश भी कहा जाता है। यह इसमें पन्ना का पूरा रीजन, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली तक का पूरा रीजन रीवा पन्ना के पठार में कवर करते हैं। ये टोटल जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है उसका 10.37% बनाता है, 10.37%। और यहाँ पर जो रीवा के पन्ना के पठार में, रीवा के पन्ने के पठार में जो टेम्परेचर है अप्रॉक्सीमेट, ये भी 40 to 42 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो बारिश है ये 125 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट होती है और इसे विंध्य कंगारी प्रदेश भी कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार यहाँ पर मेन, रीवा पन्ना के पठार में की मेन नदियाँ हैं जो, वो हैं टोंस, केन, सोनार और बीहर। बीहर नदी बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है, रीवा की बहुत इम्पॉर्टेंट नदी है बीहर, जिसमें चचई जलप्रपात बनाया हुआ है। जब नदियों के चैप्टर में आपसे डिस्कस करेंगे तो हम ये बीहर नदी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर रीवा पन्ना के पठार में कुड़प्पा और विंध्य शैल समूह पाया जाता है और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में हीरा देखने को मिलता है और विंध्य शैल समूह में चूना पत्थर देखने को मिलता है। चूना पत्थर किन शैल समूहों में देखने को मिलता है? तो विंध्य शैल समूहों में और हीरा कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में देखने को मिलता है। और यहाँ पर बलुई और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन जो पार्ट छत्तीसगढ़ से टच में है तो वहाँ पर पूर्वी पार्ट जो है रीवा पन्ना का, उसमें चावल की खेती देखने को मिलती है, पूर्व में चावल की। और रीवा पन्ना के मेन पठार में वहाँ पर गेहूँ की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ये 10.37% बनाता है और इसकी जो ऊंचाई देखी जाए तो रीवा पन्ना के पठार की ऊंचाई देखी जाए तो 300 से 350 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कर्क रेखा इस क्षेत्र की दक्षिणी सीमा के पास से होकर गुजरती है। मैप में देख लेते हैं, जो कर्क रेखा है वो मुख्यतः इस तरीके से होकर गुजरती है यहाँ पर रतलाम। यहाँ पर रतलाम, झाबुआ, राज सागर, दमोह, ये इस तरीके के, तो इसके रीवा पन्ना के पठार के दक्षिण से होकर गुजरती है कर्क रेखा। तो ये हमने देखा रीवा पन्ना के पठार के बारे में और इसकी स्थिति 23 डिग्री 10 मिनट से लेकर 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 78 डिग्री 4 मिनट से लेकर 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तारित है। ये इसकी जो स्थिति है ये हर एग्ज़ाम में तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमपी के कोई भी एग्ज़ाम में
कभी भी कोई क्वेश्चन बन ही सकता है, क्योंकि मैं एमपीबी में या वेपम में इसी तरीके से रेयर क्वेश्चन ही बनते हैं क्वेश्चन में, या और ये एमपीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यदि भौगोलिक विभाजन के बारे में बताया पूछा गया है क्वेश्चन, तो रीवा पन्ना के पठार या बुंदेलखंड के पठार या मध्य भारत के पठार, उसको आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले उसकी स्थिति को बताना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो ये है रीवा पन्ना का पठार। फिर नेक्स्ट है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी, तो नर्मदा सोन घाटी के बारे में देख लेते हैं। जो नर्मदा का क्षेत्र होता है, नर्मदा नदी का, वहाँ पर नर्मदा सोन घाटी, ये जो पूरा रीजन है अलीराजपुर, धार, इंदौर, देवास, होशंगाबाद का कुछ, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, और इस तरीके से रीजन बनता है। ये नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र बनाता है, ये नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र बनाता है। ये वाला पूरा रीजन है जो ब्लू कलर से आउटलाइन किया गया है, ये नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है। इसका नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% बनाती है, 26% बनाती है। इसका जो टेम्परेचर है वो 10 to 40 degrees Celsius इसका टेम्परेचर देखने को यहाँ पर मिलता है। और यहाँ बारिश की बात की जाए तो जो यहाँ पर 70 से 140 cm यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है। और नर्मदा सोन घाटी ये सबसे निचले प्रदेश है, यहाँ काली और गहरी मिट्टी पाई जाती है। यहाँ नर्मदा सोन, दूधी, तवा, शक्कर नदियाँ दिखने को मिलती हैं। यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक और साधारण ठंड देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो ऊंचाई है, ये सबसे निचला प्रदेश होता है, मध्य प्रदेश का सबसे निचला प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर ऊंचाई है जो वो 300 मीटर के आसपास है, 300 मीटर के आसपास। यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो 22 degrees 30 minutes से लेकर 23 degrees 45 minutes उत्तरी अक्षांश, 74 degrees से 81 degrees 30 minutes पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। तो ये हमने देखा नर्मदा सोन घाटी के बारे में, ये आपको इससे मैप से और क्लियर हो गया होगा नर्मदा सोन घाटी का कौन से क्षेत्रफल की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर और क्लियर बता देते हैं, नर्मदा सोन घाटी जिसमें अलीराजपुर का कुछ रीज़न, धार, इंदौर, यहाँ पर धार इन यहाँ पर अलीराजपुर अलीराजपुर धार इंदौर का कुछ रीज़न, यहाँ पर होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, हरदा या खरगोन, बड़वानी, ये पूरा रीज़न है जो यह जाता है नर्मदा सोन घाटी। फिर इसके जो नर्मदा सोन घाटी के उत्तर में यहाँ पर मालवा का पठार देखने को मिलता है। पूर्व में जाएंगे तो यहाँ पर बघेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। और यहाँ पर पश्चिम में यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर गुजरात का रीजन पड़ता है। और यहाँ पर दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी देखने को मिलती है। और सतपुड़ा श्रेणी के बारे में आप देख लेते हैं, तो सतपुड़ा श्रेणी का जो विस्तार है वह किस तरीके से, सतपुड़ा श्रेणी का जो विस्तार है वो पूरा ये बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, होशंगाबाद का बहुत कुछ रीज़न, होशंगाबाद का जो पचमढ़ी है हो गया, ये पूरा सतपुड़ा श्रेणी में ही आता है। यहाँ पर जैसे जैसे सतपुड़ा श्रेणी पूर्व की तरफ जाती जाती है तो वह चौड़ी होती जा रही है, ये पूर्व की तरफ जैसे जैसे तो वह उसका पार्ट चौड़ी होती जाती है। यहाँ बुरहानपुर दर्रे के बाद जैसे जाएगी तो वह चौड़ी होती जाती है। और तो ये आ जाएगा सतपुड़ा श्रेणी का पार्ट, सतपुड़ा श्रेणी, इस तरीके की सतपुड़ा श्रेणी फैली हुई है।
यहाँ पर इस तरीके की ये सतपुड़ा श्रेणी फैली हुई है। यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, यहाँ सतपुड़ा श्रेणी को भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आ जाता है सतपुड़ा श्रेणी में सतपुड़ा श्रेणी, इसमें सबसे पहले आ जाती है राजपिपला श्रेणी। राजपिपला श्रेणी जो कि 900 मीटर ऊंची है, पर पूर्वी सतपुड़ा, इसमें धूपगढ़ की चोटी, पचमढ़ी, ये पूरा होशंगाबाद का रीज़न आ जाता है। फिर मैकाल श्रेणी, ये अमरकंटक के पठार वाला रीज़न आ जाता है। तो मैप में देख लेते हैं, मैप में यहाँ पर रेड से मार्क किया गया है, यहाँ पर आ जाती है आपकी राजपिपला श्रेणी, फिर ये वाली आ जाती है पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, और ये अर्धचंद्रकार रूप जो लिया हुआ है इसमें आ जाती है मैकॉल श्रेणी। ये तीन श्रेणियाँ सतपुड़ा श्रेणी की प्रमुख हैं, सतपुड़ा श्रेणी की ये तीन प्रमुख हैं। सतपुड़ा श्रेणी की बात की जाए तो सतपुड़ा श्रेणी 21 डिग्री से लेकर 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री से 84 डिग्री पूर्वी देशांतर तक विस्तारित है। यहाँ का टेम्परेचर जो है तो टेम्परेचर है तो वो 18-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ पर देखने को मिलता है, 18 to 30 degree Celsius temperature को देखिए, यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर जो वर्षा है वो 60 to 150 सेंटीमीटर होती है, यहाँ पर 60 to 150 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। यहाँ पर पूर्व में अर्थात पूर्व में बारिश अधिक होगी, और जैसे जैसे वह पूर्व में बारिश अधिक होती है और पश्चिम में बारिश कम होती है। यहाँ पर मैप में देख लेते हैं, मैप में ये पश्चिम है, पश्चिम का रीजन 62 सेंटीमीटर समथिंग वर्षा होगी, और यहाँ पर 125 to 150 सेंटीमीटर ये पूर्व के रीजन में अधिक बारिश होती है यहाँ। और सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो आपको देखने को मिलती है यहाँ पर बीच वाला जो रीज़न है, ये बीच वाला जो रीज़न है यहाँ पर आ जाता है होशंगाबाद। होशंगाबाद में स्थान है पचमढ़ी, यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है, इसका 199 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट इसको नोट किया गया है, 199 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट यहाँ पर बारिश होती है अभी तक। लास्ट टाइम यहाँ पर 199 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर नोट की गई है। यहाँ पर इन क्षेत्रों में छिछली काली मिट्टी भी अधिक पाई जाती है, और यहाँ पर ये पूर्व के रीज़न में अधिक वर्षा हो रही है, लेकिन यहाँ पश्चिम के रीज़न में कम वर्षा हो रही है। इसको जानने के लिए हम आपको जलवायु के चैप्टर में बारिश के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसमें हम हर एक रीज़न के बारे में डिस्कस करेंगे और कहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है और वह क्यों हो रही है। तो उसके बारे में बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, अभी यहाँ पर डिटेल में समझाना संभव नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर नॉर्मल इंट्रो सभी श्रेणियों सभी पठारों के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो पूर्वी श्रेणी है, सतपुड़ा की पूर्वी श्रेणी है वो 62 सेंटीमीटर है, ये राजपिपला श्रेणी, और जो पश्चिमी श्रेणी है 125 to 150 सेंटीमीटर की ये है मैकॉल श्रेणी, ये अर्धचंद्रकार रूप में है। फिर आ जाता है सतपुड़ा श्रेणी, यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ प्रमुखता बहती हैं, तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, जोहिला, शक्कर, हिरण, ये इसकी प्रमुख नदियाँ हैं, और इसका जो विस्तार है भड़ौच तक, गुजरात में भड़ौच तक, और यहाँ पर पूर्व में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के मैदान तक इसका 900 किलोमीटर में इसका पूरा विस्तार है सतपुड़ा श्रेणी का, 400 से 600 मीटर इसकी ऊंचाई है, और यहाँ पर धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर 1350 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। और यहाँ पर मैकॉल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है जो वो 1127 मीटर है। तो ये हमने देखा सतपुड़ा श्रेणी के बारे में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं पूर्वी पठार, जैसा कि हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था पूर्वी पठार, इसमें ये बघेलखंड का पठार, पूर्वी पठार में पांच रीज़न आते हैं, लेकिन एमपी में प्रमुख
एमपी में प्रमुख रूप से बघेलखंड का पठार है, इसमें छत्तीसगढ़ का रीज़न भी आता है, छत्तीसगढ़ का बेसिन ये वाला पूरा रीज़न है, ये कहलाता है आपका पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। इसमें और भी रीज़न आते हैं पूर्वी पठार में, जैसे छत्तीसगढ़ का बेसिन, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य पठार, मेघालय का पठार, लेकिन ये रीज़न एमपी से अब अलग हो गए हैं, छत्तीसगढ़ में चले गए हैं। तो बघेलखंड के पठार में हम पढ़ते हैं कि पूर्वी पठार में हम पढ़ते हैं बघेलखंड का पठार। इसकी स्थिति के बारे में देखेंगे तो स्थिति है 23 डिग्री 40 मिनट से लेकर 24 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतरी विस्तार इसका देखेंगे तो देशांतरी 80 डिग्री से 5 मिनट 42 डिग्री 47 मिनट इसका विस्तार है। यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो टेम्परेचर इसका 18 to 35 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। यहाँ पर वर्षा की बात कर ली जाए तो वर्षा 62-150 सेंटीमीटर इसकी वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ काली लाल पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। यहाँ की प्रमुख फसल है जो वो चावल है, और यहाँ पर ज्वार, तिल और अलसी की भी खेती की जाती है। तो ये हमने देखा मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, इसमें हमने मध्य उच्च प्रदेश, सतपुरा श्रेणी, पूर्वी पठार, इन तीनों के बारे में डिटेल, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुरा श्रेणी, पूर्वी पठार के बारे में डिटेल में चर्चा की। हमने पांचों रीजन देखे, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, स्वतंत्रता सोनघाटी, इन सभी ये कौन कौन से जिले तक विस्तारित हैं उनके बारे में जाना, इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ इनकी जलवायु कैसी है और यहाँ पे कौन सी मिट्टी, यहाँ की प्रमुख फसल कौन सी, ये देखा हमने। सतपुरा श्रेणी, यहाँ पे कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं तथा उनकी यहाँ पे कौन सी, सतपुरा श्रेणी में कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं, इसकी औसत ऊँचाई कैसी है, पूर्वी पठार के बारे में देखा हमने। तो ये हमारा आज कंप्लीट होता है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वतों के बारे में। तो और जानकारी के लिए बने रहिए स्टडी 33 के साथ। थैंक यू।